चार प्रश्न और दो प्रमेय, इतना कर लिए फिर समझो आपका इस प्रश्नवाली से, इस अध्याय से आपका पूरा का पूरा नंबर आपकी जेब में, ठीक है। हाँ, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो जो आप वीडियो की स्टार्टिंग में सुने वो सही सुने, हम लोग सिर्फ चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इतना ही आप लोग को करके जाना है, ठीक है। और क्या करना है हम लोग को, दो प्रमेय पढ़ना है, सिर्फ दो प्रमेय पढ़ना है, फिर कंप्लीट तैयारी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, समझो। सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लो, है ना। ब्लूप्रिंट मेरे मुझे तो याद है, शायद आप लोग को भी याद हो गया होगा, है ना। तो इस तीनों पार्ट से लेकर 11, 12 और 13, तीनों पार्ट से लेकर के कितने नंबर, टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, 12 नंबर का आता है। हाँ, तो ये तो जान ले 12 नंबर का आएगा तीनों से मिला करके। तो इसका नंबर समझ लीजिए, इसका पैटर्न क्या रहेगा, एक एक एक, मतलब एक एक नंबर का तीन क्वेश्चन आएगा आप लोग का। वो खाली स्थान में भी हो सकता है, सही विकल्प में भी हो सकता है, सही जोड़ी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, एक एक नंबर का तीन क्वेश्चन बट आएगा, क्लियर है। इसलिए आप लोग एक एक नंबर के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और बाकी क्या रहा, 4 नंबर और 5 नंबर, देखो छोटा मोटा में नहीं आता भाई, डायरेक्ट 4 नंबर और 5 नंबर पे था। इसमें भी 5 को माइनस कर दो, अध्याय 11 पढ़ रहे हैं तो, क्यों, क्योंकि 5 जो नंबर है वो अध्याय 13 के लिए रिजर्व है, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। अध्याय 13 से ही आएगा वो 5 नंबर के, अंतर्वृत्त और परिवृत्त, सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें भी दो टॉपिक कर लिए, कंप्लीट है अध्याय 13, है ना। तो बाकी कितना नंबर है, 4 नंबर, जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आता है। तो जो 4 क्वेश्चन दूंगा, बताऊंगा आप लोग को, 2 प्रमेय बताऊंगा, उन्हीं को ही कर लेना है आप लोग को एग्जाम के लिए, ठीक है। 100% यहाँ से तैयारी हो जाएगा। बहुत लोगों को ये कठिन लगता है, बट इस वीडियो के बाद से आप किसी को भी कठिन नहीं लगेगा, बस और सिर्फ आप लोग को गणित में इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से नंबर मिलने वाला है, क्योंकि रिविजन उसी वे पे हम लोग कर रहे हैं ताकि नंबर अच्छे से मिले। वीडियो को शेयर जरूर कर दो अभी से, ठीक है, ताकि सभी लोग एक साथ देखें, एक साथ समझें, और सभी लोग का तैयारी भी बहुत धमाकेदार तरीके से हो, है ना। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, देखो समझो इसको क्या लिखा है। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, किसी रेखा के बारे में बात हो रहा है, समझो पहले क्या बोल रहा है, कोई एक रेखा है, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः, मान के चलो सपोज दैट अपने पास क्या है, एक ऐसा एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज बना लिए, फिर वो रेखा क्या करता है, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती, मतलब AB को किसी D बिंदु पर काटती है और AC को, है ना, AC को E बिंदु पर काटती, तो इसका नाम D होगा और इसका नाम E होगा, क्लियर। करें तथा भुजा जो है BC के समांतर, इसका जो लाइन है ऐसा मिलाएंगे दोनों को, तो ये किसके समांतर होती है, बोल रहे BC के समांतर है, बोल रहे, तब हम लोग को सिद्ध करना है इतना, AD की बटा में, AD की बटा में क्या होगा, पूरा वाला AB, और उसी तरह इसके बटा में ये पूरा बड़ा वाला लाइन होगा करके हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, देखो एक ही मेन दिया तो इतना भी है ये सब चीज को, लेकिन मेन चीज हम लोग को ये दिया है जो DE है ना, DE है, समांतर किसके हैं, BC, और आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जब भी ऐसा समांतर रहता है ये दोनों लाइन, ठीक है, तब क्या होता है, ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC, ठीक है। कैसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई हम लोग, हाँ एक प्रमेय जानते हैं, कौन सा, आधारभूत, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक, इस प्रमेय को याद कर लो, इस प्रमेय में यही होता है कि हम लोग इतना सिद्ध करते थे, है ना, तो अगर इतना रहता था उसमें भी यही दिया रहता था तब इतना होगा, क्लियर है, ठीक, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ऐसा होता है, क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, DB की बट्टा में AD, मैं इसको उल्टा कर दिया, जस्ट ब्लड दिया, है ना, EC की बट्टा में AE हुआ, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में, है ना, एक जोड़ने पर, जोड़ दो भाई दोनों पक्षों में, राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं बन पाता है,
डीबी बटा में एडी प्लस वन। इस साइड भी क्या कर देंगे हम लोग, उसको जोड़ देंगे, ईसी बटा एई है, इसमें भी जोड़ देंगे प्लस वन। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या होगा इसमें। इसमें फिर वही का मैं पता बता चुका हूँ आप लोग को पिछले ही चैप्टर में, और बहुत हर एक चैप्टर में इसी तरीके से करता हूँ। पहले लघुत्तम लो, फिर तिरक गुणा करो। लघुत्तम इस एक के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक इस एक के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है ना। पहले इसी साइड को हल करो, नीचे नीचे का गुणा होगा ए डी एक हम ए डी, और फिर तिरक गुणा करो तो डी बी एक और डी बी का होगा डी बी होगा प्लस ए डी बराबर। सिमिलरली इस साइड भी बटा में क्या रहेगा, ए ई रहेगा और ई सी बटा में ए हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो, है ना। देखो समझो, क्या दिया है डीबी और उसमें प्लस क्या है एडी, ये दोनों। तो मैं पूरा मान के चलो, ये पूरा रास्ता मेरा कितना है, ये वाली रास्ता, ये रास्ता पांच, ये भी पांच है, तो पूरा कितना होगा, 10 होगा ना, जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह का ये जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं उसको लिख देता हूँ क्या, AD लिख देता हूं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, AD सॉरी क्या AB है ना, AB और बटा में क्या है AD है, तो उसको AD ही लिखेंगे बराबर। सिमिलरली इस साइड भी वैसे ही होगा। देखो EC, ये EC है और ये AE है, तो दोनों को टोटल जोड़ देने से कितना हो, जोड़ रहा है ना, ये E प्लस AC है, AE है ना, तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा, AC बटा में कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, तो उत्तर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग पहले इसको बदले थे तभी भी बदल दीजिए, ई डी बटा में ए बी बराबर ए ई ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा ऐसे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जितना सिद्ध करना था हमारा उतना आ चुका है, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। इतना करते ही आप लोग का 4 नंबर फिक्स। ये क्वेश्चन को तो आप लोग जानते ही हैं, क्यों, क्योंकि असाइनमेंट 2021 में आया है और 2018 में तीनों सेट में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये असाइनमेंट में है ना। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करो ध्यान से, कि एग्जाम में सिर्फ आप लोग जाके करो, है ना, बहुत ध्यान से देखो। और बताऊंगा भी उसी तरीके से कि डायरेक्ट आप लोग एग्जाम में भी करोगे फिर भी बन जाएगा। ठीक। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज बना लो सबसे पहले। त्रिभुज है तो त्रिभुज रहेगा, तब कुछ समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग को, है ना। यहां बना लेता हूं मैं, ठीक, ABC एक त्रिभुज बन गया भाई। चलो क्या बोल रहा, उसके बाद जिसमें AD लंब है BC, BC पर कोई लंब है AD, इस तरीके से, ठीक है, ये D बेसी पर लंब हो गया, लंब है मतलब यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तब सिद्ध करना है हम लोग को इतना चीज, AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक, देखो बहुत ध्यान से देखो, एग्जाम में भी डायरेक्ट जाके करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई हमारे पास। ठीक, दिया है करके लिखेंगे, इसमें दिया है कि AD लंब किस में है, BC पे, उसके हिसाब से हम लोग ये बना दिया। अब क्या लेंगे, त्रिभुज, देखो त्रिभुज, अब तीन त्रिभुज है हमारे पास, एक दो और ये बड़ा सा वाला करके तीन त्रिभुज, तो उसमें हम लोग को काम करना है ना। त्रिभुज ADB में, ठीक है, कौन से त्रिभुज को ले रहा है, ADB को ले रहा है, क्लियर। अब इसमें समझो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बस इतना याद रखना है आप लोग को, क्लियर। अब इसमें समझो कर्ण कौन बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो लंब है, पहले से बोल दिया लंब है, और जहां पर पहचानने के एक और तरीका है, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाला ही हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण कौन बनेगा, AB, तो AB का वर्ग बराबर, ठीक है। लंब तो ये पहले से है बोल दिया है ना, इसमें दिया है करके लिखे हम लोग, AD क्या है, लंब BC पर है, तो लंब कौन होगा, AD का वर्ग प्लस आधार कौन बनेगा इसमें, आधार नीचे वाला BD का वर्ग, क्लियर। जिस पे लंब खड़ा है, कोई खंबा खड़ा है, वही तो आधार होगा ना, ठीक। तो ये समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार हम लोग त्रिभुज किस में लेंगे, अब ADC में, पहले इसमें लिए, अब इस वाले पार्ट में लेंगे ADC में, ठीक है। वहां पर भी सेम कर्ण का वर्ग लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब लंब का वर्ग प्लस
आधार कवर। अब वहाँ आप लोग देखते चले, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पर और फिर इसको इस वाले इक्वेशन को लिख लो, समीकरण को लिख लो, ठीक है, फिर मिला के देख लो कि सही बनता है कि नहीं। तब यहाँ पर देखो कि ये क्या होगा, इसमें कड़ तो इसके सामने वाले ये वाली कड़ होगी, है ना। तो ए सी का वर्ग बराबर लम, पता है, ई डी का वर्ग प्लस आधार डी सी का वर्ग, या इसको इसमें क्या है सी डी है तो इसको सी डी ही लिखते हैं, सी डी का वर्ग। क्लियर है समीकरण नंबर दो, क्लियर यहां तक। अब देखो इसी जितना भी खेल करना है हम लोग को इन्हीं दोनों समीकरण में करना है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, घटा दो भाई, देखते हैं क्या होता है। ठीक, याद रखना इसको स्टॉप इस स्टेप में, क्योंकि यहां पर तो प्लस है लेकिन हम लोग घटा रहे हैं ना, तो इस चीज को समझना, याद रखना थोड़ा सा इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा। समीकरण एक में घटा रहे हैं हम लोग को ए बी का वर्ग, इसमें क्या घट जाएगा ए सी का वर्ग हो जाएगा बराबर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं घटा दिया, राइट हैंड साइड भी सेम होगा, ये है ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, इसमें घटाना किसको है हम लोग को, इस वाले को, क्या ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग होगा। क्लियर यहां तक। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग माइनस, ये क्या हो जाएगा ए डी का वर्ग, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बलत जाता है ना, तो माइनस सी डी का वर्ग होगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखेंगे यहां से क्या होगा, ए बी का वर्ग इस साइड तो बाकी रहेगा, वो कुछ नहीं हो रहा है, ए बी का वर्ग और क्या है ए सी का वर्ग, है ना, तो ए सी का वर्ग बराबर। अब यहां देखो ए डी का वर्ग और ए डी का वर्ग कैंसल होगा, बाकी क्या रहेगा बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग, इतना बाकी रहेगा हमारे पास, है ना। अब हम लोग को देखो सीध करने के हिसाब से सोचो कि कर क्या सकते हैं हम लोग, है ना। देखो यहां तो ए बी रहेगा, उस साइड सी डी इस साइड होना चाहिए, जो सी डी है वो इस साइड होना चाहिए इसके हिसाब से, है ना, सिद्ध करने के हिसाब से। तो ले आओ भाई उसको, ए बी का वर्ग प्लस, प्लस में आएगा ना उस साइड, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस सी डी का वर्ग बराबर। सिमिलरली इसको उधर भेज देंगे तो बी डी का वर्ग ये इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस ए सी का वर्ग होगा, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने आसान है, है ना, इसको इसलिए आप लोग वीडियो को दो बार देख लेंगे हो सके तो, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएंगे तुरंत वीडियो को बाद देखने के बाद, है ना, फिर आप लोग के लिए 100% ये फिक्स हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी जो बनता तो छोटा है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर से, है ना। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है 90° का है, ठीक है, कोण सी कितने अंश का है, 90° का है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग होगा करके, ठीक है, तो हल करो इसको, दिया है, दिया क्या है उसको लिख लो। सबसे पहले कोण सी बराबर कितना दिया हुआ है, 90° दिया हुआ है ना, मतलब हमारा हमें और सिद्ध क्या करना है, सीध करना है करके लिख लो इसमें ए बी का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ठीक है। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, सी पे 90° होना चाहिए तो इसको सी लेना पड़ेगा, तो ए बी सी ये 90° का कोण बन रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये दोनों भुजा जो है इसकी बराबर होगी, ठीक, क्लियर यहां तक। अब क्या करते हैं हम लोग, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते तभी वर्ग हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है ना। तो त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लगा लीजिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, क्या होगा आप लोग को पता है कर्ण का वर्ग, है ना, लिख लेंगे इस तरीके से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर। अब इसमें कर्ण कौन बनेगा, सब पता है 90° का सामने वाले हमेशा क्या होगा, कड़ होगा, तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग क्या बनेगा इसमें, लंब इसमें ए सी, ए सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग,
क्लियर है? ठीक। अब देखो हम लोग को सीधे क्या करना है, 2AC आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहां AB बराबर BC होगा, सॉरी AC बराबर BC होगा। अगर मान के चलो मैं इसको BC लिया हूं तब, ठीक है, BC होगा, BC भी तो लिख सकते हैं ना, BC BC के ऊपर, ठीक, ऐसा होगा ये। ठीक है, क्यों ऐसे? इसलिए होगा भाई क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा जो है इसकी क्या होगी, समान होगी, है ना? इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो इसलिए यहां पर अगला स्टेप ऐसा होगा, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो मैं इस बी सी को भी क्या लिख सकता हूँ, ए सी का वर्ग। फिर फाइनली ये ए बी का वर्ग बराबर ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2AC का वर्ग। ठीक है, क्लियर है? देखो छोटा सा बन रहा है बट ये 4 नंबर में भी दे सकता है, पॉसिबिलिटी इसका कम है बाकी जो 4 क्वेश्चंस है उनके हिसाब से। ठीक है, बट इसको इसको करना ही है आप लोग को, है ना? और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको कर लेने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन हो रहा है, 5ों में से कर लेना है आप लोग को, बाकी को तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तब आप लोगों को तो ये पता है ना कि आप लोग कमेंट कर देंगे, फिर वीडियो आ जाएगा। और बाकी क्या है, 2 प्रमेय पढ़ना है, तो प्रमेय देखते हैं भाई। प्रमेय 2 ही प्रमेय पढ़ना है, एक प्रमेय नंबर इस प्रमेय को पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं, और दूसरा कौन सा बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये सिर्फ दोनों प्रमेय पढ़ के जाना है हम लोग को एग्जाम में, क्योंकि बाकी को नहीं पढ़ना है, बोल दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, ठीक। और इसकी वीडियो बात होती है, इसकी वीडियो का, तो दोनों प्रमेय का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले जरूर देखो क्योंकि एग्जाम में इन दोनों प्रमेय में से एक आ सकता है। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।